आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जिले के अतरौलिया में काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड का हुआ शुभारम्भ। जिले की पहली निजी बैंकिंग सेवा देने वाली संस्था का फीता काटकर किया गया उद्घाटन। बता दें कि सीमा हॉस्पिटल के बगल में काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड बैंकिंग सेवा का शुभारंभ बैंक के CMD रवि प्रकाश तिवारी द्वारा फीता काटकर किया गया। इस बैंकिंग सेवा के शुरू हो जाने से छोटे दुकानदारों व व्यापारियों को विशेष लाभ मिलेगा। CMD रवि प्रकाश तिवारी ने बताया कि कलेक्शन के रूप में यह शाखा अतरौलिया ब्लॉक में खोली गई है। जनपद के भवरनाथ में इसकी हेड ऑफिस है। पूरे जनपद में छोटे छोटे कलेक्शन प्वाइंट डालकर लोगों तक सुविधा पहुँचाने के उद्देश्य से इसे खोला गया है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत अतरौलिया ब्लॉक के सीमा हॉस्पिटल के बगल में इसकी शुरुआत की गई। 2022 में लक्ष्य के सापेक्ष सभी 22 ब्लॉक में लोगों को इससे जोड़ा जाए, जो भी सुविधाएं हैं वह आम लोगों तक आसानी से पहुंचाई जा सके। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि लोगों को रोजगार मिले। युवा वर्ग को जोड़कर जो भ्रामकता फैलाई जा रही है उसका लोग सही से आकलन नहीं कर पाते, उन्हें रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। बैंकिंग सुविधाओं में लोगों को सेविंग अकाउंट, रिकरिंग, दुकानदारों के लिए डेली सेविंग अकाउंट, मासिक सेविंग अकाउंट, FD, इसके साथ व्यवसायी भाइयों को जुड़ने से लाभ होगा। रिकरिंग के बाद छोटे छोटे फंड प्रोवाइड किया जाएगा। जनपद की ये पहली ऐसी निजी संस्था है जो अपने ग्राहकों को सेविंग अकाउंट, QR कोड, मोबाइल एप्लीकेशन, ATM कार्ड जैसी सुविधाओं के साथ ही अन्य सभी सुविधाएं दे रही है। इस ब्रांच के खुल जाने से छोटे वर्ग के लोगों को विशेष फायदा होगा। इस मौके पर CEO हरिराम यादव, मैनेजर राहुल जायसवाल, ब्रांच हेड अरविंद कुमार मिश्रा, प्रवेश कुमार यादव आदि लोग उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत के लिए अरविंद सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी, आज हम लोग यहाँ पे एक छोटे कलेक्शन सेंटर के रूप में एक शाखा की शुरुआत की। जैसा कि हम बता दें आपको कि हमारे हेड ऑफिस आजमगढ़ में बहुत नाचते हैं, हैदराबाद रोड पे ही, और पूरे जिले में हम लोग अपने छोटे छोटे कलेक्शन पॉइंट डाल के लोगों को अपनी सुविधाओं को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में ये हमारी अतरौलिया की शाखा की ओपनिंग की गई है और हमारा लक्ष्य है कि 2022 में हम अपने 22 ब्लॉक को जो है पूरे टच करेंगे, कवर करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले जब हमने अपनी वार्ड स्टार्ट मनाई थी सितंबर में, तो हमने बताया था सारे कार्यकर्ताओं को और अपने लोगों को कि हमारा 2022 का एक सिलसिला रहेगा कि हम अपने सारे ब्लॉकों को टच करेंगे। उसी सिलसिले में हम अपने पहले ये जो कार्यक्रम की शुरुआत कर चुके हैं और धीरे धीरे अभी इस साल हम बहुत सारी शाखाएँ जो है आजमगढ़ में लाएंगे, जिससे कि काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की सुविधाएँ, जो इसकी योजनाएँ हैं, हम आम जनता तक सही तरीके से पहुँचा सकें। क्या उद्देश्य है आपकी सरकार के आज? क्या उद्देश्य है? सबसे बड़ा उद्देश्य है हमारा कि लोगों को रोजगार देने का, जो हमारे युवा वर्ग हैं जिन्हें हम सही चीज़ों से जोड़ के, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत ही भ्रामक चीज़ें हैं जो लोग आकलन नहीं कर पाते हैं। जो बैंकिंग की चीज़ें सही होनी चाहिए उसको सही चीज़ों को आम पब्लिक तक पहुंचाने का और एक रोजगार देने का हमारा ये पूरा एजेंडा है, हम उस पर काम कर रहे हैं। हम पूर्ण रूप से अभी तो बैंकर नहीं हैं, लेकिन हम 80% बैंकिंग का काम कर रहे हैं, जिसमें हम अपने ग्राहकों को सेविंग खाता दे रहे हैं, उसके साथ साथ उनको रिकरिंग दे रहे हैं, जिसमें वो हमारे जो व्यवसाय वर्ग के भाई हैं जैसे दुकानदार वर्ग, वो डेली सेविंग हमारे यहाँ कर सकते हैं जुड़ के। हम मंथली सेविंग करवाते हैं, हम FD देते हैं, हम पेंशन देते हैं। इसके अलावा हम अपने जो हमारे मूल व्यवसायी भाई हैं जो हमसे जुड़ेंगे तो उनको वो लाभ क्या हमसे जुड़ के, क्योंकि आज के दिन में एक दूसरे के लोग पूरक होते हैं, तो हमारे यहाँ जो रिकरिंग चलते हैं हम उसके अकॉर्डिंग उनको छोटे छोटे फंड प्रोवाइड करके, जिससे कि आम जन। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर।
अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।